दोस्तों आज मैं आपके साथ पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्रो मेथड शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस मेथड के माध्यम से आप इनसेन रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एंड दोस्तों इस मेथड को अप्लाई करने के लिए ना तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना ही आपको पेड टूल को परचेज करना पड़ता है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके पास एक स्मार्टफोन है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको Digito24 के ऊपर आना है। एंड Digito24 के ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप Digito24 के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आए। अब आपको इसके मार्केट प्लेस के ऊपर आना है। जैसे आप इसके मार्केट प्लेस के ऊपर आते हैं तो आपके सामने 470 रिजल्ट्स आते हैं, मीन्स आपके सामने 470 प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नीश को सेलेक्ट करना है जिनके प्रोडक्ट्स को आप पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपको एग्जांपल देने वाला हूँ मेक मनी ऑनलाइन की नीश का। तो सिंपली हम मेक मनी ऑनलाइन की नीश को ओपन कर लेते हैं। एंड मेक मनी ऑनलाइन की नीश आती है इंटर मार्केटिंग एंड ई बिजनेस की नीश के अंदर। तो हम इंटर मार्केटिंग एंड ई बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इंटर मार्केटिंग एंड ई बिजनेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज आता है एंड हमारे सामने 43 रिजल्ट्स आते हैं, मीन्स हमारे सामने 43 प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मेक मनी ऑनलाइन की नीच के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। इसके बाद आपको पिंटरेस्ट के ऊपर आना है एंड पिंटरेस्ट के ऊपर आपको इस फीचर को ओपन कर लेना है जिसका नाम क्या है, ट्रेंड स्टोर Pinterest.com। बहुत ही बेहतरीन फीचर है। एंड दोस्तों इस फीचर के माध्यम से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कि आपकी नीश के अंदर कौन सा कीवर्ड ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पिंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी पिंटरेस्ट पिंस को क्रिएट करना है। तो कीवर्ड को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड सर्च के अंदर आपको अपना मेन कीवर्ड टाइप करना है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं मेक मनी ऑनलाइन की नीश के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं मेक मनी ऑनलाइन एंड कंट्री के अंदर हम यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर अपना मेन कीवर्ड टाइप करते हैं तो हमारे सामने इतने सारे सजेशंस आते हैं। अब आपको सभी सजेशंस के ऊपर से गो थ्रू होना है एंड सभी सजेशंस के ट्रेंड्स को आपको एनालाइज करना है एंड जो भी सजेशन का ट्रेंड यहाँ पर बूम पे चल रहा है आपको उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को ओपन कर लेता हूँ तो कीवर्ड का नेम क्या है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इसी के ही ट्रेंड को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो सिंपली हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चार्ट आता है। अब आपको सिंपली यहाँ पर चार्ट को एनालाइज करना है कि चार्ट यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या फिर चार्ट आप यहाँ पर डिप में जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है एंड बीच बीच में यहाँ पर पीक भी आ रही है एंड लेटेस्ट में ये चार्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर अभी वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारी पिंस की वायरल होने के चांसेस बढ़ेंगे, साथ में हमारे अकाउंट के भी ग्रो होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर डेमोग्राफिक की भी नॉलेज मिल जाती है कि मींस किस एज ग्रुप को आपको यहाँ पर टारगेट करना चाहिए और किस टाइप की ऑडियंस को आपको यहाँ पर टारगेट करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर फीमेल को टारगेट करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर मेल को टारगेट करना चाहिए, आपको यहाँ पर टीनेजर को टारगेट करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर 35 साल से ऊपर के बंदों का टारगेट करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी पिंस को बनाना। उसके अलावा आपको यहाँ पर पॉपुलर पिंस की नॉलेज मिल जाती है जिससे आइडिया लेकर आप यहाँ पर अपने पिंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली इसी कीवर्ड के ऊपर हम अपना पिंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको पिंटरेस्ट के ऊपर आना है एंड पिंटरेस्ट के ऊपर आपको अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो सिंपली आपको हमारी पिंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को देख लेना है। वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी जिनसे आइडिया लेकर आप अपना पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप पिंटरेस्ट के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर ले उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है लोगों का, तो आप कैनवा के माध्यम से लोगो क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको कैनवा को बजाना है, सर्च के अंदर आपको टाइप करना लोगो, आपके सामने बने बनाए लोगो से जाएंगे, सिंपली आपको इनको एडिट करना है, अपने अनुसार आपको इनको ऑप्टिमाइज करना है, डाउनलोड करना है एंड यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना चैनल बैनर क्रिएट करना है जिसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है एंड चैनल बैनर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कैनवा का। कैनवा को पर आना है, बैनर टाइप करना है, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे।
इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको एडिट करना है, अपने अनुसार कस्टमाइज करना है, डाउनलोड करना है, और प्लस के आइकन के माध्यम से आप यहां पर अपने बैनर को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, तो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यहां पर आना है, एडिट प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है नेम का, तो आपको अपने बिजनेस अकाउंट के लिए एक प्रोफेशनल नेम को क्रिएट करना है। एंड प्रोफेशनल नेम को क्रिएट करने के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं कोरा चैटबोर्ड का। सिंपली आपको कोरा चैटबोर्ड के ऊपर आना है, चैट जीपीटी को सिलेक्ट करना है, एंड यहां पर आपको कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है, गिव मी पिंटरेस्ट प्रोफाइल नेम सजेशन फॉर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो यहां पर इसने मुझे 10 सजेशन दे दिए हैं, तो जो भी सजेशन आपको यहां पर अच्छा लग रहा है आपको उसको कॉपी करना है, एंड नेम के अंदर आपको उसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है अबाउट का, तो अबाउट क्रिएट करने के लिए भी आप यहां पर कोरा चैट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कोरा चैट बोर्ड के ऊपर आना है, एंड यहां पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है, राइट पिंटरेस्ट प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो कोरा चैटबोट आपको यहाँ पर बना बनाया डिस्क्रिप्शन दे देगा। जैसे किसी ने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यहां से हम डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे एंड इसको हम यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है वेबसाइट का, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, एंड लैंडिंग पेज का लिंक को ही आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। एंड दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं, उस केस में आपको यहाँ पर गूगल साइट्स, ब्लॉगर, गूगल डॉक्स के माध्यम से ही अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, और उसी के लिंक को ही आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर आप इन तीनों वेबसाइट के माध्यम से अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं और इसको अगर आप पिंटरेस्ट के अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपका पिंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म तक आपका पिंटरेस्ट अकाउंट चलेगा। जैसे कि मैंने गूगल साइट्स के माध्यम से एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, सेम इसी से आइडिया लेकर आप भी यहाँ पर अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप एक नीश बेस्ड लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, सेम इसी तरीके से आप भी यहां पर अपना पेज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट के टाइटल के अनुसार अपना टाइटल क्रिएट किया है, जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। गूगल के माध्यम से मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया है, जिसको मैंने यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से अपलोड कर दिया है। बटन के माध्यम से मैंने यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन दिया है, एंड यहीं पर ही मैंने अपना एफर्ट लिंक भी लगा। जैसे आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर ले, सिंपली आपको यहां पर आना है, पेज को आपको पब्लिश कर देना है और इसके लिंक को आपको यहां पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, देन सेव, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिंटरेस्ट अकाउंट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप अपना पिंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लें, उसके बाद आपको अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के अंदर पिंस को अपलोड करना है। तो पिंस को अपलोड करने के लिए भी आपको यहां पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है पिन का, तो अगर आप इमेजेस के माध्यम से अपनी पिन को अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पिन का यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल वीडियोस का यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर आइडिया पिन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ आइडिया पिन का, तो आइडिया पिन क्रिएट करने के लिए आपको वर्टिकल वीडियोज चाहिए, एंड वर्टिकल वीडियोज क्रिएट करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है ओरिजिनल वीडियो का, अगर आप ओरिजिनल वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां पर कैनवा का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां पर किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो को यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, वहां से आप उन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप आइडिया पिन के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। परंतु अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो को यूज करें तो उसका क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है, ताकि आपको कॉपीराइट की दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहां पर कॉपी एंड पेस्ट का मेथड बताने वाला हूं, तो सिंपली हम यहां पर अन्य व्यक्ति की वीडियो का यूज करेंगे। तो वीडियो को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले इंस्टाग्राम का, तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आना है, सर्च के ऊपर आना है, एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना मेक मनी ऑनलाइन। आपके सामने बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर किसी भी एक अकाउंट को ओपन करना है, रील्स के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने इतनी सारी वीडियो आ जाएंगे। अब आपको जो भी वीडियो पसंद आ रही है आपको उसके ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक एड्रेस करना है। अब आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है instasave.com। यहाँ पर आपको अपने लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करना है, डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी जिसको आप अपनी आईडी पिन के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन आपको पिंटरेस्ट के ऊपर आना है, क्रिएट इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट आईडी पिन इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा,
एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रीड प्रिंट का, तो सिंपली आपको इसको बजाना है। यहां से आपको अपनी वीडियो को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पर अपनी वीडियो को ओपन करें तो आपकी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाए। इसके बाद आपके सामने आपके पिन का एसईओ करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको अपने पिन का एसईओ करना। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है टाइटल, तो टाइटल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कोरा.com। तो सिंपली आपको कोरा चैटबोर्ड के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है, राइट टाइटल फॉर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पर इसने मुझे एक बना बनाया टाइटल दे दिया है, तो यहाँ से मैं टाइटल कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कोरा चैटबॉट। आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 20 वर्ड्स। नहीं तो ये आपको यहाँ पर 100 से लेकर 200 वर्ड का डिस्क्रिप्शन दे देगा। अगर आप छोटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ड्स को मेंशन कर देना है, फिर यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग भी लगाना चाहते हैं तो Quora.com के माध्यम से आप हैशटैग भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, डिटेल्स के अंदर आपको नन को सिलेक्ट करना है, लिंक के अंदर आपको अपनी लैंडिंग पेज के लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करना है, बोर्ड के अंदर आपको मेक मनी ऑनलाइन का बोर्ड क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको अपनी पिन को सेव करना है एंड टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना मनी। आपको यहाँ पर बने बने सजेशंस मिलेंगे, तो यहाँ से आपको सजेशंस को कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपको उन टिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 3 सजेशंस को टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है पब्लिश, इसके ऊपर क्लिक कर। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पिन यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो को यूज करते हैं तो उसका आपको यहाँ पर क्रेडिट दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर @ लगाकर उस बंदे का नाम लिख दूंगा, तो यहाँ पर मैंने उस बंदे को क्रेडिट दे दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रेडिट देना है ताकि आपकी पिन यहाँ पर रिमूव ना हो। इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर 4 से लेकर 5 पिन को अपलोड करना है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल तरीका बताऊं कि मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ, तो मैं डेली बेसिस के यहाँ पर 2 आइडिया पिन को अपलोड करता हूँ एंड डेली बेसिस के मैं यहाँ पर 4 पिन्स को अपलोड करता हूँ। अगर आप डेली बेसिस के 6 पिन्स को अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक ना एक पिन यहाँ पर वायरल हो जाएगी। अगर आपकी एक भी पिन यहाँ पर वायरल हो जाती है, उसके ऊपर ह्यूज ट्रैफिक आता है, तो डेफिनेटली वह आपके लैंडिंग पेजेस के ऊपर जाएगा, वहां से वह आपके सेल्स पेज के ऊपर जाएगा, आपके प्रोडक्ट सेल होंगे और आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लें, ताकि इसी टाइप का प्रिंटर्स का कंटेंट हम आपके साथ शेयर करें।